हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, ये मैटर होता क्या है? इन वेरी 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 सिंपल लैंग्वेज, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज टर्म्ड एज मैटर। हर वो चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब जिसके अंदर वॉल्यूम होता है और जिसके अंदर अपना मास, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेट होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, मैटर। अब क्या ये मार्कर एक मैटर है? अब देखिए, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके अंदर अपना मास भी है, तो क्या ये मैटर है? बिल्कुल, इट इज अ मैटर। क्या बुक एक मैटर होती है? बिल्कुल, बुक भी अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर क्या होता है, मास, मतलब वेट होता है, तो बुक भी एक मैटर है। क्या एयर मैटर है? हमारे चारों ओर क्या है? एयर। हम उसको देख नहीं सकते, बट क्या एयर मैटर है? तो बिल्कुल, हम इसे कैसे समझ सकते हैं, एग्जांपल से। अगर मेरे पास एक खाली बैलून है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इतू सा, अगर मैं उसको फिल कर दूं तो उसके अंदर फिल क्या होती है, एयर। अब एयर क्या करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो मतलब क्या किया, बैलून, एयर ने बैलून का साइज बढ़ा दिया, उसके अंदर फिल हो गई, तो उसने क्या करा, स्पेस ऑक्यूपाई करा, और उसने उसका एक मास भी है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे एक खाली बैलून को और एक बैलून जिसके अंदर एयर फिल है, कौन सा भारी होगा? डेफिनेटली जिसके अंदर एयर है वो भारी होगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है, अपना मास है, तो इसलिए एयर भी क्या होती है, मैटर। अब क्या थॉट्स मैटर होते हैं? अब आप ये मत कहना कि नहीं, मेरे तो दिमाग के अंदर थॉट्स भरे हुए हैं, ये भी मैटर है। बिल्कुल नहीं, थॉट कैसे मैटर हो सकता है, मतलब जो चीज फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई करती है वो होती है मैटर। ये नहीं कि थॉट्स ने मेरा माइंड भर दिया तो इसलिए उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, ये तो नहीं होता ना कि अगर आप लोग थॉट सोचते हो तो आपका बॉडी का वेट भर जाता है, ये सब कुछ नहीं होता ना। तो इसलिए थॉट क्या होते हैं, मैटर नहीं होते, बिकॉज वो फिजिकल स्पेस थोड़ी ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसलिए एयर क्या है, मैटर, बट थॉट हमारा मैटर नहीं होते। क्या आइडियाज मैटर होते हैं? अब ये भी ये मत कहना कि मेरा तो माइंड भरा हुआ है आइडियाज से, उसने मेरे माइंड के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, मुझे तो बहुत ज्यादा भारी भारी सा लग रहा है माइंड के अंदर, मतलब उसने उसके अंदर वेट भी है। बिल्कुल नहीं, आइडियाज भी मैटर नहीं होते, बिकॉज वो भी फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते और उनका भी मास नहीं होता, ये सब हमारी मेंटेलिटी है, तो इसलिए आइडियाज भी मैटर नहीं होते। अब हम लोग किस कॉन्क्लूजन पे आए हैं कि जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है वो क्या होती है, मैटर। अब ये मैटर बना किससे होता है? तो मैटर बना होता है पार्टिकल से। हम क्या समझते हैं पार्टिकल से? ये छोटे 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 क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स, ये हमारे क्या हैं, पार्टिकल्स। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो पता है वो कैसे होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक, जैसे कि ये बिल्कुल पास 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 पास, और वहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं पार्टिकल्स कैसे होते हैं लिक्विड के, तो वो कैसे होते हैं, दूर 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 दूर, मतलब थोड़ा दूर होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। अगर मैं आपसे कहूं गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, लिक्विड के मुकाबले दूर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये हम लोग समझेंगे वीडियो के आगे जाकर। अभी हम लोग बात करते हैं मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तब तक के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। तो ये रही हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल इन साइज। अब मैं यहाँ पर कितने भी वेरी लगा लूँ, बट मैं पार्टिकल्स को डिफाइन नहीं कर सकती। अगर मैं आपसे कहूँ बिल्डिंग कैसे बनती है, तो बिल्डिंग किससे बनती है, वॉल्स से। वॉल्स किससे बनती है, ब्रिक्स से। ब्रिक्स किससे बनती है, सैंड से, और सैंड किससे बनती है, पार्टिकल से। तो मतलब सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल से क्या तैयार होती है, बिल्डिंग।
तो क्या आप लोग पार्टिकल्स का साइज इमेजिन कर सकते हैं? नहीं. अब मैं आपको समझाती हूँ कि एग्जांपल से. आपको बताएं, एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर कितनी बड़ी होती है? इतनी सी, इतनी सी ड्रॉप के अंदर वाटर की देयर आर 10^21 पार्टिकल्स रफली. एक इतनों सी ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर 10^21 पार्टिकल्स होती है. क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितने छोटे होते हैं उनके पार्टिकल्स? तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि जो हमारा मैटर होता है वो किससे बनता है? पार्टिकल्स. और वो पार्टिकल्स बहुत 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 ज़्यादा छोटे होते हैं. तो ये थी हमारी फर्स्ट कैरेक्टर स्टिकम. समझते हैं सेकेंड. लेट्स इरेज इट. ये रही हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. अब हम कैसे मान लें कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है? चलिए समझते हैं इसको एग्जांपल से. सपोज अगर आपके पास ये एक कंटेनर है, अब इसके अंदर ये इतना वाटर फिल्ड है. अब आपने इसके अंदर 1 टीस्पून शुगर डाल दी. अब शुगर डालने के बाद क्या ये जो लेवल सपोज जो था वाटर का वो यहाँ तक था. अब क्या शुगर डालने के बाद जो वाटर का लेवल है वो बढ़ेगा या फिर कम होगा? क्या होगा? तो गाइस, शुगर डालने के बाद भी जो लेवल है वाटर का वो सेम रहेगा. अब क्या हुआ? भगवान आ गए, जादू हो गया, शुगर कहाँ गई? तो क्या हुआ, ये जो शुगर के पार्टिकल्स थे, सपोज ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स है दूर दूर. अभी हमने पढ़ा था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है सॉल्ट के कंपैरिजन में. सपोज ये हमारे पार्टिकल्स हैं वाटर के. अब क्या हुआ यहाँ पे, ये सपोज पार्टिकल्स हैं वाटर के, अब यहाँ पे क्या होगा? जो पार्टिकल्स होंगे शुगर के, सपोज ये हैं शुगर के पार्टिकल्स, तो ये क्या कर लेंगे, इनके बीच में स्पेस ऑक्यूपाई. यहाँ पे क्या हुआ, जो शुगर के पार्टिकल्स थे उन्होंने वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. तो इसलिए जो पानी का जो लेवल था वो सेम रहा, ना वो बढ़ा ना वो कम हुआ. अगर यहीं पे मैं शुगर की जगह सॉल्ट डाल दूं, तब भी क्या होगा, वाटर का लेवल सेम रहेगा, बिकॉज वो भी क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे. अगर यहीं पे मैं सॉइल डाल दूं, तब क्या होगा, अब अगर सॉइल डालेंगे क्या तब भी जो लेवल है वो सेम रहेगा? नहीं. अब ऐसे क्यों हुआ? बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो साइज में बड़े होते हैं, तो इसलिए वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फिट नहीं हो सकते. वहीं पे शुगर के और सॉल्ट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे 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 छोटे, तो वो क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं बिटवीन वाटर पार्टिकल्स. तो इससे क्या प्रूव होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस. आई थिंक आपको सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गई होगी. अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ. लेट्स इरेज इट. अब ये रही हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. अब इसमें क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब मैं कैसे मान लूँ, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे पार्टिकल्स मूव करते हुए. अरे इसको भी समझते हैं एग्जांपल से. सपोज अगर हम लोग किसी रूम के कॉर्नर में अगर हम लोग परफ्यूम स्प्रे करते हैं, तब क्या होता है, उसकी स्मेल पूरे फ्लोर में फैल जाती है. तो क्या हुआ ऐसा, तो वहीं पे जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के, वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. अगर वो लोग मूव नहीं करते तो क्या जो स्मेल थी वो एक से दूसरी जगह जा पाती, नहीं जा पाती. वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. तो इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या होता है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन. मतलब पार्टिकल्स का खुद ही मिक्स हो जाना फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो कंसेंट्रेशन. अब ये क्या है, सपोज मैंने अगर यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स का एक कंसेंट्रेशन हाई होगा, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो अब ये लोग क्या करेंगे, हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे. तो उससे क्या हो जाएगा कि एक
यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगी, मतलब हर जगह जो पार्टिकल्स का लेवल है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग मतलब खुद ही मिक्स हो जाना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई टू लो कंसेंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूँ, जब भी हम लोग धूप बत्ती जलाते हैं तो उसकी स्मेल क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो वो क्या होता है, जो उस धूप बत्ती के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक से दूसरे के ट्रेवल करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन। जहाँ पे हम लोग धूप बत्ती को जलाएंगे वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ से क्या होंगे, वो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन तैयार हो जाएगा। तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम समझते हैं अपनी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, लेट इरेज इट। अब ये रही हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, और गैस के तो बहुत दूर दूर होते हैं, आराम से मजे करे जिंदगी के। तो ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के वो बिल्कुल पास पास होते हैं, बिकॉज उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो उन सबको बिल्कुल चुपका कर मतलब पैक करके रखता है। वहीं पे लिक्विड के अंदर जो फोर्स है वो थोड़ा कम होता है, और गैस के अंदर तो बहुत ही कम होता है, होता है बट बहुत कम होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर हम लोग, मेरे पास एक चौक है और एक आयरन नेल है, अगर मैं उनको ब्रेक करूँगी तो कौन पहले ब्रेक होगा, चौक पहले ब्रेक होगी। क्यों, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। अगर चाहे मैं बात करूँ दो सॉलिड के बीच में, तब भी उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हर दो मटेरियल मतलब हर दो मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है, सेम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग चौक को ज़्यादा ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, और अगर हमको ब्रेक करना है आयरन वो तो ब्रेक तो होगा नहीं, थोड़ा बहुत मतलब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो भी कब होगी, हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हैमर करेंगे तब जाके होगी, बिकॉज उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो आई थिंक आपको मैटर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, और अगर कर दिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।